जीएस प्लैनेट यूट्यूब चैनल बाय विवेक सर। इस बार मैं विवेक कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात की थी, कैसे मैंने टॉपिक्स बताए थे, और फिर आपने देखा था कि कैसे भारत पर पहला मुस्लिम इन्वेजन या मुस्लिम आक्रमण होता है, और वो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी पर आक्रमण किया और सिंध का क्षेत्र जीत लिया। उसके बाद हम एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र आ गया है, तो बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा शख्स था जिसने भारत में जजिया कर लगाया, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया एक नॉन मुस्लिम पर इम्पोज किया जाने वाला टैक्स था, यानी इस टैक्स को जो मुस्लिम नहीं है गैर मुसलमान चुकाएंगे, क्योंकि यह जो क्षेत्र था सिंध का क्षेत्र वो खलीफा यानी मुस्लिम साम्राज्य का एक अंग बना लिया गया है, तो जहां पर मुस्लिम लोग ही रह सकते हैं, कुछ दूसरे लोग जो रहेंगे धर्मों के लोग तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। दो चीजें हो सकती, या तो वो टैक्स अदा करें या फिर इस्लाम स्वीकार कर लें, तो चूंकि उसी प्रांत के वो मेंबर बन जाएंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक खास बात और रही कि यह टैक्स अनाथों पर, विधवाओं पर और दिव्यांगों पर नहीं लगाया जाता था। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपने सुना होगा इस्लाम धर्म का जो उद्भव है, हालांकि मैं एक अलग सा टॉपिक बनाऊंगा इस्लाम धर्म का उद्भव। आपने सुना अरब में इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ और अरबों के हाथ में इस्लाम का नेतृत्व रहा, शुरू में बड़े उत्साह से इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, 200 साल में ही अरबों की शक्ति निष्प्राण हो गई, अरब ज्यादा शक्तिशाली धर्म प्रचार करने में नहीं रह पाए, और उसमें कहीं ना कहीं वहां अरब के शासकों की विलासिता का बड़ा योगदान रहा है। अब नेतृत्व आ गया ईरानियों के पास, और ईरानियों के बाद इस्लाम के प्रचार का या इस्लाम धर्म के विकास का नेतृत्व आ गया है तुर्कों के पास। तुर्क जो हैं वो कहीं ना कहीं अरबों से और ईरानियों से भिन्न है, उनमें ना तो अरबों जैसी समझदारी है ना ईरानों जैसी सुसभ्यता है, ईरानियों जैसी सुसभ्यता है। उनका विश्वास सिर्फ शक्ति में है, उनका विश्वास है तलवार पर, और वो तलवार के द्वारा ही दुनिया को जीतना और धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। तो देखिए, उसके बाद जब अरब आक्रमण हुए तो उसके बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। दो महत्वपूर्ण तुर्क इन्वेडर्स आते हैं, और वो हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद कोनी। दोनों पर एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोनों ने ही आक्रमण महत्वाकांक्षा और धन की लालच में किया है। दोनों को धन की बड़ी चाह थी, इसलिए उन्होंने इस पर आक्रमण किया है। पहले हम महमूद गजनवी की बात करेंगे और उसके वंश गजनवी वंश की बात करेंगे। देखिए, इस वंश को चाहे गजनवी वंश कहा जाए या यामिनी वंश कहा जाए, बात एक ही है। कभी कभी ऑप्शन में गजनवी वंश दिया होता है और कभी कभी यामिनी वंश। एक्चुअली में ये जो गजनवी वंश के शासक थे वो ईरान की एक शासकों की एक शाखा थे। वहां पे क्या हुआ, जब अरबों ने इन पर आक्रमण किया तो ये लोग भाग कर तुर्किस्तान चले आए, और तुर्किस्तान में ये तुर्कों से इतने घुल मिल गए कि ये तुर्क कहलाए जाने लगे, तुर्क इन्हें कहा जाने लगा है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आएगा कि इनके संस्थापक कौन थे। संस्थापक था अलप्तगीन। कौन था संस्थापक? अलप्तगीन। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी या गजनवी एम्पायर, तो योर आंसर विल बी अलप्तगीन। और इसकी राजधानी कौन थी? गजनी। गजनी ये जो क्षेत्र है अफगानिस्तान में पड़ता है। अब देखिए, उस समय जो अलप्तगीन शासक था तो गजनवी वंश के समकालीन या कंटेम्पररी ही भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक राज्य था जिसे कहा गया हिंदुशाही राज्य। कौन था राज्य? हिंदुशाही राज्य, और जिसका एक्सपेंशन था भारत के नॉर्थ वेस्ट से हिंदुकश पर्वतमाला तक। हिंदुकश पर्वतमाला तक इनका राज्य था। अब देखिए, अलप्तगीन के बाद क्या हुआ, उसके पुत्र इसहक ने 3 वर्ष तक शासन किया। किसने शासन किया? 3 वर्ष तक इसहक ने शासन किया है। इसहक के बाद होता क्या है कि उसका जो अलप्तगीन का दामाद था सबुक्तगीन शासक बनता है। लेकिन उससे पहले कहानी क्या होती है कि इसहक के बाद
अलतगीन के ही एक सेनापति बलतगीन ने अधिकार कर लिया, गजनी क्षेत्र पर अधिकार करने कर लिया बलतगीन ने, वो शासक बन गया। और बलतगीन के बाद एक गुलाम अलतगीन का पीराई शासक बना, पीराई बहुत ही अयोग्य शासक था। अब इधर हुआ है, आप देख रहे हैं हिंदुकश पर्वतमाला तक विस्तार है हिंदुसारी वंश का, और उधर है गजनवी वंश का, तो दोनों की सीमाएं टकराने लगी। इवन देन अलतगीन के समय से ही इनमें छुटपट युद्ध होने लगे थे, वो एक दूसरे पर आक्रमण होने लगे थे। इस समय जब पीराई शासक था तो आक्रमण हुआ है गजनवी वंश पर, और लेकिन सबुक्तगीन ने बड़ी योग्यता से हिंदुसाही वंश के जो राजा जयपाल ने जो अपनी सेना भेजी थी अपने पुत्र के नेतृत्व में उसे पराजित किया है, तो उसका सम्मान बढ़ गया है और वो फिर पीराई को हटाकर सबुक्तगीन शासक बन जाता है। सबुक्तगीन के बारे में एक बात और याद रखनी है कि वो अलप्तगीन का दामाद भी है। तो क्या हुआ, अलप्तगीन का दामाद सबुक्तगीन अधिकार कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, सबुक्तगीन और जयपाल में युद्ध होते रहते हैं, कभी जयपाल आक्रमण कर रहा है कभी सबुक्तगीन। फाइनली फिर सबुक्तगीन ने आक्रमण किया हिंदुसाही राज्य के राजा जयपाल पर, और एक जगह है लमगान, लमगान के निकट यह युद्ध हुआ है और इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। उसके बाद फिर जयपाल पराजित हुआ, अपनी पराजयों से दुखी होकर फाइनली जयपाल ने आत्महत्या कर ली है, या कहें जयपाल ने सुसाइड कर ली है। उसके बाद अब क्या होता है कि सबुक्तगीन के जो आक्रमण है उन्हें इतिहासकार उत्वी ने जिहाद कहा है। एक इतिहासकार है उत्वी जिन्होंने सबुक्तगीन के आक्रमण को जिहाद कहा है। जिहाद का अर्थ होता है धार्मिक युद्ध, यानी धर्म के लिए युद्ध। अब देखिए बात करते हैं, सबुक्तगीन के दो पुत्र थे, छोटा पुत्र था इस्माइल और बड़ा पुत्र था महमूद गजनवी, जिसे हम आप अमीर महमूद भी कहते हैं। अब इस्माइल शासक बना, यह बात महमूद गजनवी को अच्छी नहीं लगी। इस्माइल के शासक बनने की वजह यह थी कि इस्माइल अलतगीन की पुत्री का बेटा था, इसलिए इस्माइल शासक बना दिया गया है, शायद उसकी मां का दबाव रहा होगा। इस्माइल को बाद में परास्त कर शासक बनता है कौन, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में, यानी 998 ईस्वी में महमूद गजनवी अपने छोटे भाई इस्लाम को इस्माइल को पराजित कर शासक बनता है। अब हम देखते हैं महमूद गजनवी को, महमूद गजनवी का जो समय काल रहा है 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी 1030 तक। उसका जन्म कब हुआ, 971 ईस्वी में, हालांकि ये एग्जाम की दर से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जन्म स्थान इसका गजनी रहा, गजनी जो अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है। और महमूद गजनवी को मुस्लिम इतिहास का प्रथम सुल्तान माना गया है, माना गया कि वो पहला सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी प्रथम सुल्तान मुस्लिम इतिहास का कौन है, महमूद गजनवी। अब देखिए बगदाद के जो खलीफा, आपने सुना होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम का जो नेतृत्व है खलीफाओं ने किया है, खलीफा ही नेतृत्व करते हैं इस्लाम का, और यही पॉलिटिकल हेड भी हैं और रिलीजियस हेड भी हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के, यानी एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभुत्वशाली पद है। तो बगदाद के जो खलीफा थे उस समय अल कादिर बिल्ला ने इन्हें दो उपाधियां दी हैं। एक पहली उपाधि कहलाती यमीन उद दौला, क्या कहलाती, यमीन उद दौला, जिसका मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ। किसके साम्राज्य का दाहिना हाथ, कहीं ना कहीं खलीफा के साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरा है आमीन उल मिल्ला, और इस आमीन उल मिल्ला का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। ये दो उपाधियां दी गई। अब देखिए गजनवी के आक्रमण शुरू हो जाते हैं, गजनवी आक्रमण करता है भारत में, तो उसका जो पहला आक्रमण होता है वही आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो आक्रमण होता है पंजाब के हिंदुसाही राजा जयपाल पर, पंजाब क्षेत्र में आता है और ये हिंदुसाही राजा के अधिकार में है, और राजा जयपाल पर आक्रमण इसका
होता है। कब होता है? 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद भी उसके आक्रमण होते हैं, उसका आक्रमण फिर जयपाल पर होता है, उसके बाद जयपाल के बेटे आनंद पाल पर होता है, आनंद पाल के बाद त्रिलोचन पाल पे होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि उसके बाद उसका आक्रमण भारत के भीतरी भागों में, चाहे वो थानेश्वर हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो आपका कहा जाए बुंदेलखंड का एरिया हो, चाहे वो ग्वालियर का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों पर आक्रमण होता रहता है। इनमें जो सबसे फेमस आक्रमण है उसका सोमनाथ मंदिर का आक्रमण है। अब सोमनाथ मंदिर का आक्रमण उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा है और इस आक्रमण के द्वारा उसे लूट की बहुत सी प्रचुर राशि प्राप्त हुई है। महमूद गजनवी का जो सबसे फेमस आक्रमण हुआ था वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। तो पहला प्रश्न ये हो जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ का मंदिर कहां था? तो सोमनाथ का मंदिर, आंसर एक क्वेश्चन और बन जाता है, सोमनाथ का मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में था। अब देखिए ये मंदिर बहुत धनी मंदिर था, इतना धनी मंदिर था कि ये कहीं ना कहीं बैंक का भी कार्य करता था। पुराने जमाने में भारत में मंदिर और ग्राम सभाएं बैंक का कार्य करती थी। इवन ये कुछ मंदिर इतने धनी होते थे कि वो राजा तक को धन दे देते। राजा को अगर धन की जरूरत है तो मंदिर उन्हें ऋण दे देता था, अपनी जब उनका रेवेन्यू आ जाता या पैसे आ जाते तो वो ऋण राजा वापस कर देता था। इवन धनी लोग भी जब व्यापार करने कहीं बाहर जाते या कहीं विदेश यात्राओं पर जाते तो अपना धन मंदिर में जमा कर जाते और वापस में वो धन उन्हें सुरक्षित रूप में मिल जाता था। इस मंदिर की सबसे जो खास बात थी, मन में क्या थी, वो खास बात ये थी कि इस मंदिर में जो मूर्ति थी हवा में बिना किसी सहारे के थी और ये बहुत बड़ी चमत्कार माना जाता था। तो पूरे भारत से लोग आते थे और यहाँ पर धन जमा कर दान में दे जाते थे। अब जैसे ही इस मंदिर की प्रसिद्धि सुनी, धन की दौलत की प्रसिद्धि सुनी तो गजनवी ने अटैक किया। तो यहाँ का राजा कौन था? वो राजा था भीमदेव फर्स्ट। तो आपको याद रखना है सोमनाथ मंदिर के समय गुजरात का राजा कौन था? भीमदेव फर्स्ट। किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का, सोलंकी वंश का। तो ये राजा तो भाई उसी समय भाग गया, अपनी जनता को गजनवी की दया पर छोड़ गया बिना कोई लीडरशिप किए। मंदिर की इनकम की बात कही जाए तो मंदिर को 10,000 गांव की आमदनी मिलती थी। 350 स्त्री पुरुष हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने सर्वदा गायन के लिए तैयार रहते थे। 1000 ब्राह्मण पुजारी कम से कम मंदिर में पूजा के लिए तैयार रहते थे। तो जाहिर है वो यहां से बहुत सा धन लूट ले गया, गजनवी कहते हैं बहुत सा धन यहाँ से लूट ले गया। और ये धन जब कहते हैं ऊंटों पर और घोड़ों पर ले जाया जा रहा था तो धन गिर रहा था, तो वो धन इकट्ठा नहीं कर रहे थे, उठा नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें घर पहुंचकर दिखाने की पड़ी थी कि हम कितना लूट लिया। और कहते हैं बहुत से मनुष्यों का समूह इस धन को जो गिर रहा था इकट्ठा करते करते गजनी तक पहुंच गए, ऐसी कहानियां मिलती हैं कि इतना धन लूट ले गया। तो आपको याद रखना है कि आक्रमण कब हुआ सोमनाथ पर? 1025 ईस्वी में। कौन था गुजरात का राजा? भीमदेव फर्स्ट। किस वंश का था? चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। और आपको एक बात और याद रखनी थी कि यह मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो दिस टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। अब देखिए गजनवी के ने जो भारत पर आक्रमण किए हैं उनका उद्देश्य क्या था? तो कई उद्देश्य बताए गए हैं। तो उतबी नामक एक राइटर ने कहा है महमूद गजनवी के आक्रमणों को जिहाद कहा है। जिहाद का मतलब धर्म के लिए युद्ध, यानी वो इस्लाम के लिए युद्ध कर रहा है, धर्म का युद्ध कर रहा है। वही एक इतिहासकार जाफर हुए हैं, जाफर ने महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना बताया। उसने बताया कि महमूद गजनवी बहुत लालची आदमी है, उसे सिर्फ धन की पिपासा है, धन की उसे चाह, इसलिए उसने धन के लूट के लिए भारत पर आक्रमण का। एक और विचार ये कहता है कि पड़ोस में जो हिंदू राज्य था, हिंदूशाही राज्य, कहीं ना कहीं उन हिंदू राज्यों को भी नष्ट करना चाहता है, इसलिए गजनवी ने हिंदू राज्य पर आक्रमण किया है भारत पर। और वो यश की भी, अपनी प्रसिद्धि भी दुनिया में चाहता है, अपना सम्मान बढ़ाना चाहता है, यश बढ़ाना चाहता है, इसलिए भी उसने
भारत पर आक्रमण किया। हेनरी इलियट एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया है? गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। एक बात और है कि 17 बार आक्रमण करने में एक बात और आती है कि जब खलीफा ने उसे यामुनी दौला की उपाधि दी तब उसने शपथ ली थी कि वो हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। अभी गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके लूट रहा था, लूट कर वापस जा रहा था, तो उसे जाटों ने जो था बहुत ज्यादा परेशान किया है, उसको बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसलिए वो 1027 ईस्वी में फिर आक्रमण करता है जाटों पर। तो आपसे पूछा जा सकता है महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी पर। किस पर हुआ? जाटों पर हुआ। अब यहीं पर एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि उसकी सेना में खास बात यह थी कि अरब भी थे, तुर्क भी थे, अफगान ही नहीं वरन हिंदू सैनिक भी थे, यानी उसकी सेना मिश्रित जाति सैनिक लोगों पर आधारित थी। उसने भिन्न भिन्न जातियों के कुशल योद्धा रखे थे, शायद यही उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण भी बन जाता था। इसमें दो हिंदू सैन्य अधिकारियों के नाम बड़े फेमस आते हैं, एक का नाम था सेवेंदराय और एक का नाम था तिलक। आपसे पूछा जा सकता है कि तिलक या सेवेंदराय जैसे हिंदू आर्मी कमांडर किसकी सेना में थे? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी के। गजनवी की मृत्यु हुई है 1030 ईस्वी में, आपको याद रखना है। गजनवी के समय कुछ विद्वान भी हुए हैं, लेखक भी हुए हैं, जिन पर प्रश्न आता है। एक राइटर हुआ है उत्तबी। उत्तबी के बारे में सबसे खास बात आपको याद रखनी कि उत्तबी गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। आपसे पूछा जाए हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी, तो योर आंसर विल बी उत्तबी। और उत्तबी ने एक किताब लिखी है तारीख यामिनी, जिसे किताबुल यामिनी भी कहा गया है। और एक खास बात है, इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है ईसी साचाउन ने। किसने किया? ईसी साचाउन ने। अब दूसरी तरफ एक राइटर और हुए हैं बैहाकी ने सबुक्तगीन की जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है तारीखे सबुक्तगीन। और बैहाकी को लेमपुल नामक एक हिस्टोरियन हुए। लेमपुल ने एक टाइटल दिया है पूर्वी पेप्स। आपसे पूछा जाए पूर्वी पेप्स उपाधि किसकी है? बैहाकी की है। किसने दी है? लेमपुल ने दी है। एक और बिंद है फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शाहनामा, और शाहनामा में उसने 1000 छंद लिखे हैं गजनवी की प्रशंसा में, और उसे फिरदौसी का फारसी का होमर कहा जाता है। आपने सुना होगा होमर एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं यूनानी भाषा में, जिन्होंने इलियड और ओडिसी जैसे दो काव्य संग्रह लिखे हैं। उसी तरह फारसी के होमर कौन है? फिरदौसी कहे गए हैं। यहां पर एक कहानी याद आती है इतना लालची धन का आदमी था गजनवी, उसने कहा था कि मेरी प्रशंसा में जो एक छंद लिखेगा मैं उसे एक सोने का सिक्का दूंगा। फिरदौसी ने 1000 छंद दे दिए, लिख डाले ले, और ये जब छंद लिखकर उसने फिरदौसी नाम ये सहनामक नामक पुस्तक अपनी जब डेडिकेट दी है गजनवी को, तो गजनवी ने उसे सोने की जगह चांदी के सिक्के दे दिए। कहते हैं इस बात से इसे इतना दुख हुआ कि घर जाकर उसकी डेथ हो गई। बाद में जब लोगों ने कहा कि एक शासक को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, तो उसे अपनी गलती एहसास हुई, तो उसने फिरदौसी के घर पर चांदी की जगह सोने के सिक्के पहुंचाए। लेकिन अफसोस की बात, तब तक फिरदौसी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब अगला जो एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसकी हमने चर्चा नहीं की, जो गजनवी के समकालीन था, वह गजनवी विद्वान था अलबरूनी। अब हम अलबरूनी की बात करेंगे। गजनवी के काल का एक विद्वान बहुत फेमस था जिसका नाम था अलबरूनी, या अलबरूनी भी नाम मिलता है। देखें अलबरूनी जो था उसका मूल नाम था अबू रेहान मोहम्मद। एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, यह बात आपको याद रखनी है। अलबरूनी की खास बात यह है कि वह बहुत बड़ा विद्वान था, और वो भी विभिन्न विषयों का, गणित का, ज्योतिष का, संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था, और वो पहला मुस्लिम है जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड संस्कृत लैंग्वेज, तो योर आंसर विल बी अलबरूनी।
और यही पहला व्यक्ति है जिसने पुराणों का अध्ययन किया, जिसने पहली बार पुराण पढ़े हैं, वो मुस्लिम व्यक्ति कौन है? अल-बरूनी था। और उसने फिर भारत के बारे में पुस्तक लिखी है जिसे कहा गया है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। और ये पुस्तक पूछी भी गई किस भाषा में है, तो ये पुस्तक लिखी हुई है अरबी भाषा में। इस पुस्तक में वो भारत के त्योहारों के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के मेलों के बारे में, भारत के फेस्टिवल्स के बारे में बहुत विशद वर्णन करता है, जो देखकर आज के व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो भारतीय समाज के कई जातियों का वर्णन करता है और भारतीयों के पराजय के कारणों पर भी प्रकाश डालता है। तो आज के लिए जो हमने टॉपिक पढ़ा, वो हमने पढ़ा है महमूद गजनवी और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो हम दूसरे आक्रमणकारी इन्वेडर की बात करेंगे, जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से भी कई प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में। मोहम्मद गोरी के बाद ही हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना पर चर्चा करेंगे। अगर इस सेशन को आप पसंद करते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।